Now in this part, what I wish to say is that कि आप basically जब हम तैयारी करते हैं, तो we only think about content, right? Now, but remember one thing, content is one method, one part, one factor. Definitely, first factor is your study material. क्या क्या पढ़ना चाहते हो? Study material. कि कौन सा study material मैंने पढ़ना है? ये एक factor होता है preparation के अंदर, जो सबसे important माना जाता है. Now ये फैक्टर आपने इसकी प्रॉब्लम आपने समस्या दूर कर दी. वंस यू हैव जॉइंड अभिमन्यु, यू हैव जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज रिस्पांसिबल फॉर टेलिंग यू कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, है ना. हमारा काम है ये बताना आपको, हमारा काम है स्टडी मटेरियल देना आपको, हमारा काम है आपके स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई भी क्वेरी को एड्रेस करना, द कंटेंट पार्ट. सो अब इसमें फैक्टर क्या बन जाता है कि यू हैव टू have a very specific content and stay focused. मतलब अगर हम कहते हैं कि हिस्ट्री के लिए यार ये पढ़नी है तीन चीजें, स्टे फोकस्ड कि मैंने ये तीन पहले पढ़नी है, ये तीन मैंने पढ़नी है कि ठीक है. वन थिंग इज मेरा क्लास लेक्चर हो गया, हम कह रहे हैं हमारे जो अपने हैंडआउट्स हैं, देयर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड, आपने हैंडआउट्स करने हैं, प्लस बुकलेट दी हुई है, प्लस एक अगर मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़नी है तो राजीव अहिर की बुक है या विपिन चंद्रा है, ये आपने पढ़नी है. एंशियंट मेडिवल के लिए कोई स्पेसिफिक बुक या सच पढ़ने की जरूरत नहीं है. इतना हमने कर लिया, फोकस करो, उसको पढ़ो पहले, राइट. आपने एक कोडन क्रिएट कर लिया, एक सर्कल क्रिएट कर लिया कि ये मैंने इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है. फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप रीड इट, क्लियरली रीड इट. ये नहीं है इसको पढ़ते हुए किसी ने बोल दिया ये किताब पढ़ ले, एंशियंट की वो उठा ले, मिडिवल की ये पढ़ लो वो उठा ले, कोई और नोट्स मिल गए मॉडर्न हिस्ट्री के और किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट मंगा लिए, वहां से दिल्ली से नोट मंगा लिए, हैदराबाद से मंगा लिए, इकट्ठा कर लिया, ये चार वेबसाइटें पकड़ ली, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा. तो यू हैव टू फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस स्टडी. ये कर लिया आपने, ये आपका बेसलाइन बन गया कि ये मेरा हो गया, राइट. उसके बाद आके एक बार ये हो जाए, फिर आके आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि ठीक है भाई मैंने अब एक्स्ट्रा ये पढ़ना है, प्लस अगर वो भी जरूरत महसूस हो तब. 99.9% केसेस के अंदर आपने अगर ये पढ़ लिया आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं. ये सिर्फ प्लस जो होता है ये करंट अफेयर्स का होता है, वेयर एवर एप्लीकेबल. सपोज आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी का आपने तैयार कर लिया, जो प्लस कॉम्पोनेंट आएगा वो सिर्फ करंट अफेयर्स में से आएगा. यार आपको एक साल के पिछले करंट अफेयर्स देखने हैं और जहां जहां आपने नोट्स में वैल्यूएशन करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस करंट अफेयर्स वो आप कर सकते हो. अभिमन्यु आपको वीकली करंट अफेयर्स ऑनलाइन दे रहा है, वीकली क्विज दे रहा है, मंथली करंट अफेयर्स आप अवेलेबल है, डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल है, वीकली प्री पंच अवेलेबल है. मतलब प्री पंच से अलग स्निपलेट्स है, डेली करंट अफेयर अलग से है, वीकली करंट अफेयर्स है, प्री पंच है, सब कुछ है आपके पास. तो आपको बेसिकली क्या करना है, with the help of that thing you have to update it. लेकिन जो आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है, उससे बाहर नहीं जाना, स्टैंडर्डाइज्ड है, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पेसिफाई योर कंटेंट एंड देन स्टे फोकस्ड. दिस इज फर्स्ट फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. नाउ नंबर टू, हाउ टू रीड स्टडी मटीरियल. कैसे स्टडी मटेरियल को आपने पढ़ना है. नाउ इन दिस अवर अभिमन्यु मॉडल सजेस्ट्स डेवलपिंग सेंट्रलाइज्ड नोट्स आपने डेवलप करने हैं. नाउ दिस स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, देयर इज अ वीडियो ऑन सेंट्रलाइज्ड नोट्स कि कैसे सेंट्रलाइज्ड नोट्स बनाने हैं आपने. इवन प्रोसेस का वीडियो हमने बना रखा है जो आपके ओल्ड डैशबोर्ड पे अवेलेबल है. किसी को ना मिले, किसी को ना समझ आए, आपको सिंपली एक मेल मारनी है info@abhimanyu.com पे. अगर आपको ना मिले डोंट वरी, info@abhimanyu.com पे आप मेल मारो, हम आपको हेल्प करेंगे. अदरवाइज ओल्ड डैशबोर्ड के अंदर आपके सेंट्रलाइज्ड नोट्स कैसे बनाने हैं उसका एक पूरा प्रोसेस वीडियो हमने एनिमेशन करके पूरा डाल रखा है कि कैसे आप पहले क्लास लेक्चर अटेंड करोगे, घर में जाके उस क्लास लेक्चर का क्या करोगे, कैसे आप नोट से उसको अपडेट करोगे, कैसे आप इससे क्या होगा कि आपका जो सारा सामान है, जो सारा इंफॉर्मेशन है, दे विल कम
टू अ सिंगल प्लेस, एक जगह पे आ जाएगी, वो एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाएगी चीज। एक जगह पे सेंट्रलाइज हो जाएगी, क्लियर होगी बात। तो ये सेंट्रलाइज नोड्स आपने बनाने हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आपने अभिषेक सर से बात करनी है। हाउ टू मेक सेंट्रलाइज नोट्स, ये आपके सेंटर का, लोकल सेंटर का विषय नहीं है। मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम आती है आपको, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, यू हैव टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट चंडीगढ़ सेंटर। रिमेंबर वन थिंग, आपने लोकल सेंटर में जो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी हेल्प नहीं लेनी है इसके बारे में। वी आर हैंडलिंग द एकेडमिक पार्ट, डोंट एवर कमिट दिस मिस्टेक कि आप लोकल सेंटर से पूछने लग जाओ। आपके पास या तो अभिषेक सर है, उनका नंबर आपके पास रहता है, उनका ईमेल आईडी आपके पास है, वो आपसे बात करते रहते हैं, उनसे पूछो नंबर वन। और एक ये ईमेल आईडी मैंने आपको दे दिया कि फटाक से इस पर मेल मारो, अपने आप फोन आएगा आपको, विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स आएगा, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कोई भी क्वेरी है आपकी वो दूर हो जाएगी। वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोवाइडेड यू यूज दैट कम्युनिकेशन सिस्टम इन राइट वे। या तो अभिषेक सर से बात करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है सीधा इस पर मेल मारो, काम खत्म हो गया, आपकी टेंशन खत्म। info@upscpre.com पे मिल जाएगा। तो सेंट्रलाइज्ड नोट्स बनाने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, मतलब आपने अगर तैयारी शुरू करी है, इफ यू जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन स्टूडेंट कमिटिंग दिस मिस्टेक, वो क्या करते हैं, स्टार्ट की तैयारी भाई, हिस्ट्री स्टार्ट कर ली, हिस्ट्री पढ़ने लगे और साथ ही में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कोई हम टेस्ट ले रहे हैं, फिर कोई और इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली ऑनलाइन, फिर उसकी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, बीच में टेस्ट होते जा रहे हैं, बीच में पढ़ते ही जा रहे हैं, फिर रोते जा रहे हैं हम कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। मतलब एवरी डे आई एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम इन चंडीगढ़ ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट ऑल सेंटर्स, हर जगह ये प्रॉब्लम आती है। फिर आके रो रहे हैं, सर ये मेरे हिस्ट्री में नंबर ही नहीं आए। मैंने कहा तूने क्या पढ़ा, अभी पढ़ रहा हूँ। अभी जब पढ़ रहे हो अभी तो नंबर तो आप क्या कहाँ से आ जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबर वन थिंग, आप अभी नाउ जून इज स्टार्टिंग, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपने 7 महीने जो हैं आपने बिल्कुल कोई और टेस्ट सीरीज या कोई भी और सोर्स नहीं लेना। ये 7 महीने में आपने जो हम क्लास में टेस्ट ले रहे हैं, हर सेक्शन के 3-3 टेस्ट होंगे आपके, प्लस क्योंकि वो टेस्ट है आपके वार्म अप टेस्ट, वो टेस्ट यूपीएससी लेवल के नहीं है, वो वार्म अप टेस्ट है। दीज टेस्ट आर मेंट टू हेल्प यू कवर द सिलेबस जो क्लास में हम लेते हैं। कि जब क्लास में पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, पॉलिटी मिडवे पे जाके टेस्ट लेंगे, जब पॉलिटी खत्म होगी तब टेस्ट लेंगे, कि एनसीईआरटी का बीच में टेस्ट लेंगे, तो उससे क्या और इजी टेस्ट होंगे वो, जो मुश्किल टेस्ट नहीं होंगे। उसमें क्या है कि आप दिस विल हेल्प यू टू कवर द सिलेबस ऑफ पॉलिटी, राइट। अब आपने 1 महीने में पॉलिटी खत्म कर ली सपोज, है ना, फिर आगे आगे आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट करोगे जो पिछला रिवाइज करते रहोगे, तो बाय दिस 7 मंथ्स आपके 5-7 सेक्शंस जो अच्छे तैयार हो जाएंगे और उसकी रिविजन भी मल्टीपल हो चुकी होगी। फिर आप जनवरी से टेस्ट स्टार्ट करो ना, जब एक बार तैयार कर लिया उसके बाद कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे करनी है तो, या हमारी टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो हमारी टेस्ट सीरीज कुछ करने के बाद दो। तो इट इज बेसिकली नोन एज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि आपने पहले कंटेंट तैयार करना है, देन यू हैव टू कम टू रियल टेस्टिंग, फिर इंप्रूवमेंट। क्योंकि टेस्ट जब दोगे फिर अपनी वीकनेस पता लगेंगी कि यार इस टेस्ट मैंने टेस्ट दिया मेरा ये सेक्शन वीक है, फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर इंप्रूवमेंट। दिस इज द प्रोसेस विच विल गो। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ प्रॉपरली, इसको आप बना लें अपने पास। आपने बेस्ट प्रिपरेशन करी, उसके बाद अपनी टेस्टिंग करी, टेस्टिंग से आपको अपनी वीकनेसेस पता लगी, उससे फिर आपने एक अपना इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बनाया, या आपने टीचर से बात करी कि भाई ये मेरे टेस्ट में नंबर आए सर, यहाँ मेरी वीकनेस है, हाउ शुड आई गो अबाउट इट, इंप्रूवमेंट करी, उसके बाद फिर आपने टेस्ट दिया कि जो आपने इंप्रूवमेंट करी क्या वो इंप्रूवमेंट से मेरा बेनिफिट हुआ, फिर टेस्ट दिया, फिर इंप्रूवमेंट करी। अब ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। दिस प्रोसेस एक्चुअली विल डिसाइड कि आपने पेपर 2020 में देना है या 21 में देना है।
कि आपका लेवल क्या बन गया। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि यार मैंने ये कंटेंट पढ़ लिया, चलो जी अब तो पेपर देने चलेंगे, कुछ नहीं होता, फॉरगेट अबाउट इट। अगर आपके हमारी क्लास में नंबर ही नहीं आ रहे, अगर आपके हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो आप क्या सोचते हो कि आपके फाइनल में नंबर आ जाएंगे? फॉरगेट अबाउट इट। अगर आप हमारे टेस्ट में 200 में से 120 नंबर, 125 नंबर, 130 नंबर ले रहे हो, तब आपका चांस बनता है वहां यूपीएससी में परफॉर्म करने का। और अगर आप हमारे टेस्ट में 130 नंबर ले गए, तो पक्का क्लियर है आपका यूपीएससी। आप स्टैंप लगा लो तक ऐसे मार के, बिकॉज अवर टेस्ट सीरीज आर मेड बाय एक्सपर्ट्स व्हिच आर हैविंग 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हर टेस्ट मेरे डेस्क से जाता है, ठीक है। हमें पता है यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, क्या लेवल है, क्या चाहिए, किस तरह से प्रोसेस चलना है। हमारे टेस्ट में 130 नंबर ले गए, आपकी सिलेक्शन प्री में पक्की है। ये हिस्ट्री है, ये कोई प्रेजेंट नहीं है, हिस्ट्री है, ये होता ही है। लेकिन बात ये वो 130 नंबर कैसे गेन करने हैं? आपको कि तैयार कर ली, टेस्ट दिया और मेरे 130 आ जाए? नो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक बार क्वालिटी पढ़ी, टेस्ट दिया, 130 आ गए, बहुत अच्छा। अभी आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 99.9% केसेस में ऐसा नहीं होता। आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट से निकला कि हाँ मुझे ऐसा इंप्रूवमेंट करनी है, उसको इंप्रूवमेंट करी बैठ के फिर 5-7 दिन, फिर दोबारा टेस्ट दिया, उस टेस्ट से फिर पता लगेगा नंबर क्या आ रहे हैं, और फिर इंप्रूवमेंट करी। अब किसी भी स्टेप पे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, उसके लिए अब मेन्यू है, वही उसी इसी काम के लिए आप हमारे पास आए हो एक्चुअल में, कि सर टेस्ट दिया मैंने, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं, ला भाई टेस्ट ले गया चंडीगढ़ आ जाओ, चाहे टेस्ट अपने लेके उठा के ऑनलाइन बुला लो टीचर को, आप मेरे पास आ जाओ आप चंडीगढ़, आई डोंट माइंड, एक मेल मारो कि सर आई वांट टू मीट यू, चल भाई टेस्ट लेके आ, खाली हाथ नहीं आना, रिश्वत लेके आनी है साथ में टेस्टों की, ये टेस्ट चार करे मैंने, मेरे ये नंबर आए, सर एनालाइज करके बताओ मेरा क्या चक्कर है। कोई सिफारिश लिखाने की जरूरत नहीं, मेरे से मिलने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में बस कुछ सामान चाहिए कि हाँ मैंने ये मेहनत करी है, मुझे इस मेहनत का एनालिसिस चाहिए, सीधा एक मेल मारो, आई विल कॉल यू कि आ जाओ टेस्ट देने, काम ही खत्म। लेकिन आपके आपका काम किया होना चाहिए। आप जनरली आके मेरे से बातचीत करना चाहते हो, टाइम नहीं है मेरे पास। आपके हाथ में टेस्ट है चार की, सर ये करा मैंने और ये एनालिसिस है, और ये मैंने दोबारा टेस्ट दिया, इंप्रूवमेंट करी मैंने, फिर टेस्ट दिया, फिर भी टेस्ट में मेरे इतने नंबर आए, मैं तो फंस गया, मेरे नंबर नहीं आ रहे, होता है, बड़े वेरी कॉमन। उसके लिए हम बैठे हैं, उसके लिए हम बैठे हैं कि आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो लेकिन आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। इसी काम के लिए आपने अपने ज्वाइन किया, रिमेंबर, यही हमारी एक्सपर्टाइज है, डिकोडिंग कि आपकी तैयारी में क्या फ्लॉ है या आपकी तैयारी में कहां प्रॉब्लम है, जो आप खुद नहीं कई बार जान सकते। पोटेंशियल आपके अंदर है, कोई भी बच्चा या इस क्लास में जो बैठा आईएएस बन सकता है। साइंटिफिक अप्रोच चाहिए बस, कि हाँ क्या आप एक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो कर रहे हो अपने साथ। क्लियर होगी बात? दैट वॉज योर थर्ड फैक्टर। नाउ कम टू, किसी ने पूछना है कुछ नहीं, तो अब फोर्थ फैक्टर, फोर्थ फैक्टर इज मैनेजिंग योर हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट। मतलब हेल्थ मैनेजमेंट से मेरा मतलब है मैनेजिंग योर फिजियोलॉजी। आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये मैं सोचो कि यार कोई चक्कर नहीं है, हम तो वी आर यंग, तो कोई चक्कर नहीं पड़ता हेल्थ का। नो, नाउ हेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूड्स टेकिंग राइट काइंड ऑफ फूड। आपको एक साल के लिए बहुत ज्यादा ऑयली फूड, मक्खन खा लिया बहुत सारा, तले हुए परौंठे खा लिए, है ना, समोसे खा लिए, फलाने खा लिए, यू हैव टू खाओ सब कुछ बट इन राइट क्वांटिटी, बिकॉज ऑल दीज टाइप्स ऑफ फूड्स अफेक्ट योर प्रिपरेशन। आप किसी ने चार परौंठे खा लिए साथ में मक्खन के साथ और साथ में लस्सी का गिलास पी लिया एक, तो नींद तो आनी है अपने आप। आपके माइंड की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, आपने पेट को इतना फूड, वो देखो बॉडी बेसिकली ना एक बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, ठीक है ना। अब आपके अंदर कोई एंटीजन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी आपके बॉडी कर रही है, उसका ध्यान सारी बॉडी का उधर चला जाता है। आपने अपना पेट भर लिया तो आपकी सारी बॉडी का ध्यान उधर है, दिमाग भी उधर लगा हुआ है उसको खपाने में, पट 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 काटने पाटने में,
फूड को कि इसको हजम करो, सारी बॉडी का मैकेनिज्म उधर लगा हुआ है, आपका पेट एक रीजनेबल तरीके से भरा हुआ है, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, माइंड फ्री है, जो पढ़ रहे हो अपने दिमाग में जा रहा है, इट्स वेरी मैथमेटिकल, इतनी रिसर्च हो चुकी है इस चीज पे। आप बीमार पड़ गए, कम खाओ, वेरी लाइट फूड, डॉक्टर कहते ना खाओ, क्यों खाओ, बिकॉज लाइट फूड खाओगे तो बॉडी की जो अंदर मैकेनिज्म है वो बीमारी को पकड़ेगी। अगर आप बीमार होते हुए अंदर डालते जाओगे पेट में सामान, तो सारा ध्यान दिमाग का या बॉडी का उधर लग जाएगा, बीमारी को कौन पकड़ेगा। तभी वो कहते हैं लाइट फूड खाओ ताकि बीमारी को अपनी बॉडी खुद टेक कर लेती है। मोस्टली तो हम बीमार होकर ठीक अपने आप ही होते हैं, ये दवाई तो एक जब वो है, आप देखो एंटीबायोटिक ले लो तब भी वायरल 3 दिन में ठीक होता है, अगर आप ना लो तब भी दिन ठीक नहीं होता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मतलब 4 से 5 बार एंटीबायोटिक लिए होंगे, बस वायरल होता है 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, बिकॉज बॉडी अपने आप टेक केयर कर लेती है। तो अल्टीमेटली आपको टेकिंग राइट काइंड ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फूड लो, छोटी छोटी क्वांटिटीज में लो, चाहे 3 दिन 3 बार की जगह 5 बार खाओ, लेकिन दिस विल डू वंडर्स टू योर प्रिपरेशन। देन सेकंड इज टेक एनफ वाटर, मतलब आपका पानी इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली यू हैव टू टेक एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन आपको 3 लीटर पानी कम से कम पीना है। अगेन दैट इंक्रीजेस द अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन, जो आप पढ़ रहे हो आपके दिमाग में जाएगा, माइंड हल्का रहेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो यार, अंदर जा रहा है, कहां जा रहा है वो, उसको ठीक जगह पे पहुंचाना जरूरी है। नहीं तो हमारी सारी एफर्ट्स, हमने कोचिंग दी आपको, हमने पढ़ाया, नोट्स पढ़ रहे हो आप, सब कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन जा कहां रहा है वो, ठीक है जी। अब थर्ड थिंग इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज इफ यू कैन डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मॉर्निंग इवनिंग वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डोंट डू हैवी जिमिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। अब ये नहीं 1 घंटा जाके जिम में लगा के आ रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, फिर सोच रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, एक्सेसिव जो आपकी जिमिंग है, देन यू हैव टू टेक प्रोटीन टू बिल्ड अप योर मसल्स, बस वो फिर बॉडी उस पर मसल्स को रिबिल्ड पे काम करने पे लग जाती है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, आपको पता है मसल्स ब्रेक होते हैं, है ना, अब वो उसके लिए प्रोटीन लेते हो, आप नहीं लेते तो बॉडी लगी रहेगी उसको बिल्डअप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। तो हैवी जिमिंग जो है अगर कोई करता है तो उसको 2 साल के लिए छोड़ दे, मॉर्निंग इवनिंग वॉक और लाइट जिमिंग एरोबिक्स या छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए। अगेन दैट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन और माइंड की अटेंटिवनेस, फ्रेशनेस, और आपके जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो वो अंदर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हेल्थ एंड सक्सेस का मंत्र है आपका, मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं अभी, हेल्थ एंड सक्सेस का मंत्र है कि अगर हेल्थ को कैसे सक्सेस से लिंक करना है आपने, है ना, एंड हैविंग राइट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर हेल्थ मैनेजमेंट। अब इसके लिए मेरे पास एक और भी टेक्निक है, आई एम फॉलोइंग द टेक्निक फॉर लास्ट 20 इयर्स, है ना, बेड टाइम मेडिटेशन, कि आप सोने से पहले 5 मिनट की मेडिटेशन चाहिए होती है, आप बेड पे लेट गए, 5 मिनट अपने आपने आंखें बंद करके बिल्कुल बॉडी को छोड़ देना है, लाइट बंद कर देनी है, सिर्फ 5 मिनट की एक एक्सरसाइज करोगे आप देखोगे आप यार कहां पहुंच गए। क्या एक्सरसाइज है वो, 5 मिनट आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद योर टो, जो पैर का टो है आपका, वहां से स्टार्ट करके पूरी बॉडी को अपने विजुलाइज करना है कि हु आई एम, इट विल टेक 30-40-50 सेकंड्स, आराम से देखना अपने आपको, आराम से देखना अपने आपको कि हाँ कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, राइट। सेकंड स्टेप पे यू हैव टू रिविजिट द होल डे, बिल्कुल पिक्चर की तरह, जैसे पिक्चर चलती है वैसे आपके पिक्चर चलनी चाहिए कि सुबह मैं कितने बजे उठा था, हाँ इतने बजे उठा, उसके बाद क्या किया, पूरा अपने पीछे पीछे चलते जाओ पूरे दिन के, अपने दिन के पूरे पीछे पीछे चलते जाओ अपने कि मैंने क्या किया पूरे दिन में, पीछे पीछे चल रहे हैं आप, आगे आगे काम करते जा रहे हो, पीछे पीछे देखता जा रहा है कोई आपको, और खुद आप देख रहे हो अपने आपको, हार्डली 1.5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे इस काम को। थर्ड स्टेप पे आप इमेजिनरी विजुलाइज करो कि कल मैं क्या करूंगा, इमेजिनरी विजुलाइज करो कि कल मैंने सुबह कितने बजे उठा, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, स्पेंड 1.5-2 मिनट्स ऑन विजुलाइजिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो, राइट। एंड द लास्ट स्टेप फॉर 10 सेकंड्स, जस्ट प्रेज योर सेल्फ दैट यस आई विल गेट व्हाट आई वांट इन लाइफ, आई एम पॉजिटिव,
I will get whatever I want to write. आप देखोगे यार आपकी लाइफ जो है रेवोल्यूशनलाइज हो गई. ये सिर्फ एक सिविल सर्विस प्रिपरेशन की बात नहीं है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स विल चेंज योर लाइफ. बस ये है कि पक्का करना ही करना है. और आपने 15 दिन अगर आपको ये कर लिया ना, आपको ये करे बिना नींद नहीं आएगी. योर बॉडी योर माइंड विल क्रेव फॉर इट कि क्या कर रहा, करो यार करो. एंड यू विल बिकम सो कॉन्शियस, सो मच इन प्रेजेंट कि आप जो भी पढ़ोगे ना फटाक से दिमाग में जाएगा. कई बार आप देखते नहीं हो कोई चीज आपने आधा घंटा पढ़ी फटाक से समझ आ गई, और कई बार आपको लगता है 2 घंटे हो गए यार मैंने क्या पढ़ा. होता सबके साथ ऐसा. कई बार तो ऐसा लगता है कि यार 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है. कई बार ऐसा लगता है यार 2 घंटे पढ़ लिए यार पढ़ा क्या. दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड. माइंड के साथ रिलेटेड आपका, आपको माइंड मैनेजमेंट जो है उसमें हेल्प मिलेगी. सिर्फ 5 मिनट में बहुत हैवी मेडिटेशन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कुछ नहीं कह रहा, वो भी मैं बता सकता हूँ आपको, बथेरी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन ये मैं आपको सिंपल एक स्टार्टर है आपके लिए. 5 मिनट बस, वो जिंदगी के 5 मिनट रात को सोने से पहले आपको अपने आप को देने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर इज योर सोशल मैनेजमेंट. नाउ सोशल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ योर सोशल एनवायरनमेंट. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर कोलीग्स अराउंड यू. अब यूपीएससी में कुछ बेसिक गाइडलाइंस है, योर फैमिली शुड बी विद यू, फैमिली शुड हैव फेथ इन यू. फैमिली को आपके अंदर फेथ होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा आईएएस बन सकता है. और फैमिली सिर्फ एक ही भाषा समझती है, आप मेहनत कर रहे हो. अगर आप घर में बैठ के मेहनत कर रहे हो तो ये फैमिली को डेफिनेटली भरोसा होगा कि आप बनोगे, एंड दे विल हेल्प यू इन व्हाटएवर वे दे कैन. तो घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाना है आपने कि यस आई एम प्रिपेयरिंग एंड यू आर माय पार्टी टू प्रिपरेशन. ये नहीं है कि यार पेरेंट्स को आपको ना कहना पड़े बैठ के पढ़ ले भाई, ऐसा नहीं है. ये पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो आप, एंड यू हैव टू टेक योर फैमिली अलॉन्ग विद यू. ओके, नाउ फ्रेंड्स, नाउ यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर फ्रेंड एक्टिविटी. हम कहते हैं यूपीएससी में 2 फ्रेंड हों, अच्छे फ्रेंड जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं वही अपने साथ रखने हैं, बाकियों को नमस्कार कर देना 2 साल के लिए. धीरे धीरे किनारा काट लो उनसे, जिसे हम कहते हैं हिंदी में. बट ऐसा नहीं है कि क्लास में जाने से पहले हाँ भी की करता है, किसे क्लास जा रहे हैं, अच्छा तू क्लास ही बढ़ा रहे ना भाई, बेकार हो गया तो यार. फिर क्लास के बाहर आए तो किसे अच्छा क्लास आ गया उससे मिल गया आप, और बोलिए तो तैयारी यार What are you doing here? You have to meet the friends on your convenience, not at their convenience. And true friend is one which will understand this thing. कि यार ये अब मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है, तो मुझे इसको facilitate कर रहा है. तो वो आपकी demand पे, आपकी convenience पे आपसे मिलने आ जाता है. ये नहीं है कि वो आपसे ego कर रहा है कि यार चलो हूँ तू बड़ा आदमी बन गया तैयारी कर रहा है हूँ तो छोड़ यार बुला लिया चल पिक्चर देखने चलते हैं जी मार्केट घूमने चलते हैं और आप चल पड़े. नो, यू हैव टू नाउ डिसाइड टुडे ओनली नाउ ओनली कि कौन फ्रेंड मेरे साथ चल रहे हैं 2 साल की तैयारी में और कौन नहीं चल रहे. कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लाइफ में स्टेजेस होती हैं, 2 साल बाद फिर बुला लेंगे उनको. और आईएएस अगर आप बन गए फिर तो अपने आप ही आ जाएंगे सारे. Isn't it? तो आइडिया इज कि यू हैव टू नाउ सेकंड इज यू हैव टू बी वेयर ऑफ योर रिलेटिव्स. जो आपकी आसपास रिलेटिव है, मासी मामा चाचा ताया फलाना ढिमाका सारा कुनबा है. इंडिया में दिस किनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर 6 to 7 months डोंट टेल योर रिलेटिव्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि रिलेटिव्स बड़ा कई बार गड़बड़ कर देते हैं. तो आपको बताना नहीं है किसी को अभी की तैयारी कर रहे हो, पहले बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन देन टेल समबडी कि क्या कर रहे हो तैयारी कर रहे हो. लेकिन शिक्षा नहीं मारनी रिलेटिव्स के आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता है. जब when we talk of all these colleagues and all these people, आपको ना इनमें 2 तरह के लोग मिलेंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कोलीग्स हैं, 2 तरह के हैं. या तो एक तरह के लोग तो मन में सोचते हैं कि बन कि बन जाइए पॉजिटिव थिंकर्स, और दूसरे तरह के लोग अंदर से ही सोच रहे थे कहीं बन ना जाए.
मतलब नेगेटिव थिंकर्स, वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको पता नहीं, तो कुछ ना कुछ किसी बहाने आपको टांग खींचते रहेंगे आपकी, क्योंकि उनको डर लगेगा अरे यार ये बन गया तो मेरे से बहुत स्टेटस ऊपर हो जाएगा। तो बी वेयर ऑफ सच पीपल अराउंड यू कि वो पॉजिटिव थिंकर है आपका या नेगेटिव थिंकर है, वो बन जाए वाला है या कहीं बनना जाए वाला है। और आप यू विल बी सरप्राइज, ये तैयारी बहुत शौक देती है। आपके रिलेटिव, कई रिलेटिव बड़े आपको लगेंगे ये तो हमारे सगे हैं, लेकिन अंदर से सोच रहे हैं कहीं बनना जाए, वो उल्टा पुल्टी बात करते रहेंगे आके पेरेंट्स के साथ, आपके साथ, जो नहीं हुआ तो की करूंगे, मैं ये नहीं सोच रहा कि अगर हो गया तो क्या, मोटिवेट नहीं करेंगे कि बन 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 कि कर तैयारी कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ तो फिर की हो गया, वो आके उल्टा ही पूछेंगे जो नहीं हुआ तो की करोगे, की करेगा फिर जो नहीं हुआ तो, ये तो ब्लॉक का तैयारी है, ऐ पंगा ले लिया, ऐ थोड़ी हूँ आई तैयारी। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। फ्रेंड्स हैं आपको चिढ़ाने लग जाए कोई अगर आ गया बेटा आईएएस, छोड़ दो उसको उसी वक्त, क्योंकि वो कहीं बन ना जाए वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैनेजिंग योर सोशल एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द पर्सनल मैनेजमेंट, योर पर्सनल मैनेजमेंट, दैट मींस थिंग्स पर्टेनिंग टू योर डेली रूटीन। कि डेली रूटीन आपका, देखो आपका कोई भी दिन है, आई डोंट प्रपोज एक्सेसिव प्लानिंग, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी है कि एक मिनट की प्लानिंग करने लग गए आप, लेकिन एटलीस्ट ब्रॉडली एवरी डे शुड बी प्लान्ड। आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने क्या करना है, और एंड ऑफ द डे आपको इवेल्युएट करना है अपने आप को कि आज मैंने ये करना था, किया या नहीं किया, बस अगर नहीं किया तो अगले दिन कर लेंगे, लेकिन एवरी डे हैज टू बी प्लान्ड, ठीक है। अब इसके अंदर पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर डेली रूटीन आपके आ गया कि मैंने पढ़ने का मेरा शेड्यूल क्या है, हैं? स्टडी शेड्यूल क्या है मेरा, तो अपने अपना आप स्टडी करके अपना बेस्ट टाइम निकालो। एक तो मॉर्निंग का स्लॉट होता है, दैट इज अप टू 12, आप समझ लीजिए 6 AM टू 12 noon, फिर आपका 2 से लेकर 6 बजे तक या 5 बजे तक, फिर आपका रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब ये 3 स्लॉट्स हैं, अब आपने इन 3 स्लॉट्स में से टाइम निकालना है कि मॉर्निंग स्लॉट में मेरे 3 घंटे 4 घंटे निकल सकते हैं क्या ये 6 घंटों में से, या आफ्टरनून स्लॉट में मेरे 2 घंटे निकल जाएंगे, या नाइट में मेरे 3 घंटे निकल जाएंगे। अब इस तरह से स्लॉट्स आप डिवाइड कर लोगे और अपने स्लॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसमें से 6-7 घंटे 8 घंटे डेली निकाल लोगे, दैट इज अ ट्रिक। जो लोग फुल फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं, जिनकी 1 ईयर फ्रेम है, जिनका 2 ईयर फ्रेम है, उनको 3 घंटे निकालने हैं, 2 से 3 घंटे डेली निकाल लेंगे बहुत है, पर लेकिन जिनका 1 ईयर टाइम फ्रेम वर्क है उनको तो पढ़ना है 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही है, और जिनका 2 ईयर टाइम फ्रेम वर्क है उनको 2 से 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना डेली। तो वो आपने अपने शेड्यूल के अंदर निकालना है कि कैसे स्टडीज आवर्स मेरे बनेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्लीप। आपकी जो स्लीप है दैट शुड नॉट बी मोर देन 6 to 7 hours। अगर आपकी ज्यादा है स्लीप उसको कम करो, 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज मस्ट, इससे ज्यादा नहीं इससे कम नहीं, ये नहीं 4 घंटे सो रहे नहीं पढ़ पाओगे, 6 से 8 घंटे की स्लीप माइंड को, ब्रेन को चाहिए, रेस्ट चाहिए, जो चाहिए चाहिए हमारे को। नेक्स्ट इज व्हाइल स्टडिंग स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो मोबाइल आपका आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप ये काम कर रहे हो कि पढ़ रहे हो साथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप चल रहा है, ओके कर दिया, यस कर दिया, देख के फिर पढ़ने लग गए, आप गलत समय में आप पढ़ नहीं रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, नथिंग एल्स, बी वेरी क्लियर इन योर हेड। आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, हाँ 1.5 घंटा आप स्टडिंग दे के 2 मिनट देख लो मोबाइल में क्या है, मान ली बात फिर भी, लेकिन ये नहीं है कि आपने बीच बीच में मोबाइल देखते जा रहे हो, बीच बीच में पढ़ते जा रहे हो। मैं क्लास में कई बच्चों को देखता हूँ, कई बार बाहर खड़े होकर देखता हूँ, नीचे मोबाइल से ऐसे ही यस करी जा रहे हैं, क्या आप तैयारी कर रहे हो आज इसकी, क्या कर रहे हो, बीच में फोन आ गया, फोन सुनने बाहर निकल गए, क्या मतलब, फोन इंपॉर्टेंट है आपका करियर, बी वेरी क्लियर इन हेड की इस मोबाइल की है मेरी लाइफ में बहुत जरूरत, लेकिन आई विल कंट्रोल इट, नॉट दैट मोबाइल विल कंट्रोल मी। उसके लिए सिंपल प्रिंसिपल है कि भैया एक जगह बना लो घर में, मोबाइल वहां रख दिया बस, कि भैया जब मैंने पढ़ना है तो मेरा मोबाइल वहां होगा, यहां नहीं होगा, सिंपल एंड स्ट्रेट, मोबाइल साइलेंट होगा
साइलेंट करके साइड पे रख दो। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि पढ़ रहे हो आप 10 मिनट पढ़े फिर मोबाइल आ गया वो सुनने लग गए, व्हाट्सएप आ गया उसका जवाब देने लग गए, नो फेसबुक खोल लिया। तो ये तो आप समझ लीजिए आप टाइम पास कर रहे हो, अगर तैयारी कर रहे हो तो अपना खुद की इवैल्यूएशन खुद कर लो आप। देन जो टीवी है आपका, टेलीविजन अगर कोई देखता है तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर। 1 घंटे से ज्यादा टेलीविजन नहीं देखना आपने। न्यूज सुननी है तो न्यूज चैनल जो है, हमारे डिक्शनरी में न्यूज चैनल है CNN या DD न्यूज या BBC, ये NDTV आज तक ये न्यूज चैनल नहीं है, ये तो मैगजीन चैनल्स हैं, मतलब वो भी मसाला मैगजीन चैनल्स। तो आपने आधा घंटा अगर न्यूज सुननी है CNN पे सुनो या BBC पे सुनो या DD न्यूज पे सुनो, जो कोर न्यूज है, आधा घंटा बस बहुत है। 1 घंटा टीवी चैनल देख लिया आपने, गाने सुन लिए, कुछ सुन लिया, मर्जी आपकी, पर लेकिन 1 घंटा। तो दीज पर्सनल मैनेजमेंट टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू प्रिपेयर। तो ये आपके हो गए सारे फैक्टर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो सिर्फ पढ़ाई मेरे लिए जरूरी नहीं है, अगर आपकी हेल्थ नहीं मैनेज कर रहे हैं, आप सोसाइटी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मैनेज नहीं कर रहे, आप पर्सनल मैनेजमेंट नहीं कर रहे, तो क्या फायदा तैयारी का, तो इफेक्टिवनेस उस तैयारी की कम हो जाएगी। ठीक है जी। So these were the various factors in your profession.